कुणाल आपको आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरे पास 104 रुपये के सर से जमुना ऑटो लिया हुआ है मैंने, 2 महीना जैसा हो गया, 102 शेयर है, तो अभी उसमें क्या करना है? ले सकते हैं कि फिर निकल जाना है? क्या जाना है? ओ जमुना ऑटो में अभी बने रहना है कि निकल जाना है? गौरव जमुना ऑटो अभी तो उनके भाव के आसपास ही है। देखिए ना, इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का तो मेरे हिसाब से निकल जाना चाहिए। बाकी जो अगर आप देखें ऑटो एक्सेल कंपनी है, वो भी थोड़ी सी अभी रुझान उनका मिक्स बैग ही रहा है। और अभी ऑटो स्पेस में एक ब्रेकआउट हमें जो देखने मिला था ऑटो इंडेक्स के अंदर आता, तो उसमें जो अभी फ्रंट लाइनर्स कोर ऑटो नेम्स है वही चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इनका नजरिया 2-3 महीने का, तो एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ अगर आपका नजरिया 6 महीने या उसके ऊपर का भी है, तो एक बार एग्जिट करके दूसरे को बेहतर स्टॉक में डालिए जहाँ पे रिस्क और फेवरेबल होगा। ये थोड़ा टाइम करेक्शन भी दिखाएगा और काफी ऊपरी लेवल्स पे स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से अगर ये 98-99 की वीकली क्लोजिंग इसकी आती है, तो स्टॉक वापस उठा के 85 तक जा सकता है। तो वो सबसे एक बार इसको एग्जिट करके किसी और स्टॉक में डालना बेहतर होगा। ओके, अच्छा बैंक ऑफ बड़ौदा फ्यूचर में अगर कोई लेना चाहे, तरुण का सवाल, तो ले सकते हैं क्या अभी? देखिए स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। रही बात फ्यूचर्स में, तो मैं यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। रीजन सिर्फ ये है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है। तो अगर करेक्शन आ भी गया तो बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस आपको देखने मिले ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके बैंक निफ्टी गिर रही है और आपका बैंक बड़ा है वो कंटिन्यूस चल रहा है। दूसरा, यहाँ पे जो हर्डल जो है इसकी इमीडिएट वो 189 की है। मिस पॉडल उसकी बात कर रहा हूँ, तो जब 189 के सस्टेन अगर हो जाए तब इसमें ब्रेकआउट आएगा और स्टॉक जो है 195 तक जा सकते हैं। तीसरा, कल SBI के नतीजे आएंगे, उसका भी काफी सारा जो असर होता है वो PSU बैंकिंग इंडेक्स में और दूसरे जो PSU स्टॉक है उसमें होता है। तो 2-3 चीजों की वजह से मैं कहूंगा यहाँ पे आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको करना ही है तो आप 190 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए कि आपको पता है कि मेरा लॉस लिमिटेड है और मुझे एग्जिट के मौके मिल जाएंगे। हाँ, इन्होंने अपना रिजल्ट भी जो क्वार्टरली पेश किया वो बहुत ही बढ़िया है, तो सारी अच्छी खबरें लगभग इस क्वार्टर के लिए डिस्काउंटेड लग रही हैं, तो ये राय है बड़ौदा पे। अच्छा एक सवाल है सुशील का, मेरठ से मैं साथ जुड़ रहे हैं। सुशील जी बताइए क्या सवाल है? मेरे पास है ना 1000 UBI के शेयर आएंगे और इसमें मेरे को क्या करना चाहिए? 6 महीने का नजरिया है, 70 छः महीने के लिए यूनियन बैंक में क्या नजरिया बनता है गौरव? देखिए सारे जो PSU बैंक्स हैं सभी के स्ट्रक्चर अच्छे हैं, खराब नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इनको सिंपल कहूंगा कि आपका जो स्टॉप लॉस है 65 का होगा, 65 के नीचे अगर 2-3 दिन बंद अगर होता है तो आप एग्जिट कर लीजिए। ये सारे जो PSU बैंक्स हैं इनका अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का अगर आपका नहीं है, तो आपको इसका जो असली बेनिफिट है वो आपको देखने नहीं मिलेगा। तो आपका अगर मीडियम टर्म का या शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो PSU बैंक्स, स्पेशली जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप PSU बैंक्स हैं, उसको आप अवॉइड कीजिए। और यूनियन बैंक के लिए 65 रुपीज का स्टेक स्टॉप लॉस होगा। 65 रुपए तक भाई स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा इसमें और अभी अवॉइड करिए PSU बैंक। राहुल चड्ढा को टीम लीज खरीदने का मन कर रहा है, 100 शेयर हैं इनके पास 2185 पर। देखिए आज काफी एक्शन में है स्टॉक और एक अच्छी उछल को देखने मिली है, बट मैं यहाँ पे कहूंगा फिलहाल इसको एक बार अवॉइड कीजिए। देखिए मैं इसके अगर पिछले साल जून जुलाई से अगर चार्ट अगर मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे अपने 18 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं। आज अगर क्लोजिंग इसकी आती है 2350 के ऊपर, तो ये पहली बार होगा कि आपको एक उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। तो मैं आज नहीं, मैं कल बाय करना चाहूंगा। देखते हैं कि इसके ऊपर क्लोजिंग आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो एक स्विफ्ट अपसाइड जो है वो आपको 2650 तक के लिए आपको देखने मिल सकती है। तो मैं बाय की राय दूंगा, लेकिन आज की जो क्लोजिंग है उसका कम से कम 2350 के ऊपर होनी चाहिए। 2600 तक के लक्ष्य इसमें आ सकते हैं चड्ढा जी। अगला सवाल है राकेश का अहमदाबाद से। राकेश जी बताइए। हाँ मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ले रखे 10 शेयर 2780 पे, अभी 3180 आया, क्या करना चाहिए? और नवीन फ्लोरिन के ऊपर दिखता है। नवीन फ्लोरिन पे क्या है? नवीन फ्लोरिन 15 शेयर परचेज किए 4300 रुपये पे, तो उस पर होल्ड करें या सेल कर दें? गौरव ये HAL जो है ना एक बड़ी बढ़िया स्टोरी है डिफेंस की, और इन्होंने 2780 पे लिया, काफ़ी ऊपर जाके इन्होंने लिया भी, लेकिन उससे भी ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है 3134। क्या ये स्टोरी और राइड करना चाहिए इनको या यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए?
देखिए मेरे हिसाब से पार्शियल क्वांटिटी बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करना बोलना मुश्किल है कि जो भी थोड़ी सी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुक आएंगी वो 3150 से आएगी, 3350 से आएगी या यहीं से आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप इसको राइड भी कीजिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर इसको राइड कीजिए। 3050 का जो है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए और उसको आप राइड कर सकते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी जो है थोड़ी सी आप उसको ट्रिम कर दीजिए। और नवीन फ्लोरिन 4300 पे है। जी कौन सा शेयर कहा आपने? देखिए नवीन फ्लोरिन नवीन फ्लोर भी अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखिए तो काफी काफी बढ़िया इसका एक स्ट्रक्चर है और लॉन्गर टर्म चार्ट से काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर इमीडिएट टर्म्स में देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको और देखने मिल सकती है। जो उसके प्रीवियस हाई थे तकरीबन 4850, 4900 एग्जैक्टली, ये वहीं से फिर से घुमा है। तो एक जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग इसमें हावी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मैं इसमें ट्रेडिंग कराने दूंगा अनलेस आपका नजरिया 2 साल का है तो आप रख सकते हैं, अदरवाइज मैं कहूँगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना बेहतर होगा। ओके अब जरा बात करते हैं कि बैंक के मैनेजमेंट से, और बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने चौथी तिमाही में अनुमान से बेटर नतीजे पेश किए और कई मामलों में तो ये कई वर्षों के बेहतरीन नतीजे पेश किए। एसेट क्वालिटी देखिए, मार्जिन्स देखिए, काफ़ी इम्प्रूव हुआ है और रिटर्न जो है रिटर्न एसेट्स काफ़ी बढ़िया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंक के MD एंड CEO संजीव चड्ढा जी हैं। संजीव सर बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नतीजे वाकई बहुत बढ़िया हैं और कई वर्षों के शानदार नतीजे दिख रहे हैं हर फ्रंट पे लगभग। क्या खास बात रही, क्यों, क्या वजह थी इतने शानदार नतीजों की? नीरज बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे विचार में पिछले कुछ तिमाहियों से हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है वो अच्छा रहा है। हमारी गाइडेंस भी ये रही है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो भी इंडस्ट्री ग्रोथ हो उससे हम बेहतर ग्रोथ दे पाए। तो इस वर्ष हमारे जो लोन्स हैं वो लगभग 18.5% उसमें बढ़ोतरी हुई है। उसके अंदर भी जो खास जो इम्प्रूवमेंट है वो रिटेल के अंदर है। रिटेल लोन्स हमारे लगभग 28% बढ़े हैं और इन रिटेल लोन्स में जो ग्रोथ है सभी तरफ से आई है, होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशन लोन्स। तो मेरे विचार में एक तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि हमारा जो है ग्रोथ मोमेंटम है। दूसरा जो है अक्सर ये देखा गया पिछले एक वर्ष के अंदर कि बैंकों को तकलीफ आई है डिपॉजिट मोबिलाइज करने के अंदर, क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो टाइटन हो रही थी। तो हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 15% है। इसका अर्थ यह है कि जो एक अंतर देखा गया है मार्केट के अंदर डिपॉजिट ग्रोथ में और लोन ग्रोथ में, वो हमारे बैंक के केस में बहुत ही कम है। तीसरा जो है प्राइसिंग पावर कुछ जो है वो बेहतर हुई है। हमने लगभग पिछले 1.5-2 वर्षों में कॉर्पोरेट ग्रोथ कम की थी क्योंकि उसके अंदर प्राइसिंग पावर बैंक के पास नहीं थी, आपको अपने मार्जिन नहीं मिल रहे थे, परंतु इस वर्ष आपके मार्जिन्स भी कॉर्पोरेट में बेहतर हैं और इस कारण से कॉर्पोरेट के अंदर भी हमारे लगभग 13% की ग्रोथ हुई है। चौथी चीज जिसके बारे में मैं जिक्र करूंगा वो एसेट क्वालिटी है, जिसके अंदर सुधार काफी तिमाहियों से चलता आ रहा है और इस तिमाही में हमारी क्रेडिट कॉस्ट जो घटकर 0.5% के आसपास हो गई है। तो इन सब के कारण जो हमारा मुनाफा है वो एक रिकॉर्ड पर है और ये जो एक इम्प्रूवमेंट है ये पिछले कई तिमाहियों से सस्टेन की जा रही है और मेरे विचार में आगे भी बैंक के जो नतीजे हैं वो अच्छे रहेंगे। सर आपकी जो कि क्रेडिट कॉस्ट बहुत नीचे है और शानदार आप प्राइसिंग कर रहे हैं आपने बताया, तो ये मार्जिन जो है आपके जो काफी एलिवेटेड लेवल पे, ये कंटिन्यू करेंगे 2024 के फाइनेंशियल ईयर में भी? देखिए हमारी गाइडेंस ये है कि इस पूरे वर्ष के मार्जिन देखें, नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो 3.3% है, आखिरी तिमाही का देखें तो 3.5% है। तो हमारी गाइडेंस ये है कि थोड़ा बहुत प्रेशर पड़ेगा डिपॉजिट रिप्राइसिंग का, परंतु अगले वर्ष भी हमारे जो मार्जिन है इस वर्ष की तरह लगभग जो 3.3% की सालाना दर है उसके आसपास रहेंगे। ओके 3.2-3.3 के आसपास रहेंगे। सर ये जो रिटेल ग्रोथ है तो ज़बरदस्त है, मतलब 26-27% समझ लीजिए, और कॉरपोरेट ग्रोथ भी 13% से ऊपर की है। रिटेल तो चूंकि पिछले 1-2 सालों का सबसे बड़ा शाइनिंग एरिया था, लेकिन कॉरपोरेट ग्रोथ धीरे धीरे ग्रो करके अब यहाँ तक आई है, क्या ये 13% सस्टेनेबल है क्या सर? इसमें दो नजरिए हैं। एक तो हमारी बोर्ड की ये पॉलिसी रही है कि यदि हम अपनी तुलना कुछ अन्य बैंकों से करें, विशेषकर प्राइवेट बैंकों से, तो रिटेल का अनुपात हमारे बैलेंस शीट में थोड़ा कम है, कॉर्पोरेट का ज्यादा है।
और ये अमूमन देखा गया है कि जब भी साइकिल एडवर्स होती है तो कॉर्पोरेट से ही ज्यादा आपको तकलीफ मिलती है। तो हमारी कोशिश ये है कि यदि हमारी ग्रोथ दर एक्स है तो हमारी रिटेल के अंदर 1.5 times हो उसकी, मतलब अगर हम 15% ग्रो कर रहे हैं तो रिटेल में हम 22-23% ग्रो करें और कॉर्पोरेट में थोड़ी कम हो, ताकि क्रमशः जो रिटेल का जो हिस्सा है हमारी बैलेंस शीट में वो बढ़ता रहे और आगे जाके रिस्क जो है हमारा कम हो जाए। तो एक तो एक स्ट्रेटेजिक कारण है। दूसरा, आपने कॉर्पोरेट का जाना जिक्र किया, तो जैसा मैंने कहा कि पिछले 1.5-2 वर्ष में कॉर्पोरेट के अंदर मार्जिन कम प्राप्त हो रहे थे, इसलिए हमने जो है जानबूझकर कॉर्पोरेट में ग्रोथ हमने कम की। अब जो है थोड़ा सा जो मार्जिन के ऊपर जो प्रेशर था, प्राइसिंग पावर जो थी वो बैंकों के पास वापस लौट के आई है, तो हमारी कॉर्पोरेट की जो भी जो ग्रोथ है वो भी जो है बेहतर हो गई है। मेरा अनुमान यह है कि जो भी हमारी ग्रोथ रेट रहेगी कॉर्पोरेट की उसके आसपास रहेगी, वो रिटेल की भविष्य में भी उसे काफी बेहतर होगी। प्रांशु पावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं संगरूर से। प्रांशु बताइए क्या सवाल है आपका। मेरे पास टाटा पावर के 225 के रेट पे 2000 शेयर हैं, 3 महीने का मेरा नजरिया है, होल्ड करें या सेल? गौरव, 3 महीने के लिए टाटा पावर 225 पे उन्होंने लिए, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर टाटा पावर 3 महीने का व्यू है तो आप बगैर रख लीजिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उतना तुरंत एक मोमेंटम दिखाएगा। स्टॉक में अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्ट्रक्चर ना बहुत वीक है ना बहुत स्ट्रांग है, एक रेंज में ट्रेड करा जहाँ पे एक 230 का काफी अच्छा हर्डल है और 190 का एक काफी अच्छा इसमें सपोर्ट है। तो ये रेंज बाउंड स्टॉक है, तो आपको अगर पैसा बनाना है तो आपको इसको नजरिया बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम आपको 1 साल का नजरिया रखना पड़ेगा। अगर 3 महीने का नजरिया है तो मुझे लगता है ये 210-205 ये लेवल्स पर ही रहेगा। ओके, तो ये राय बन रही है आपके लिए टाटा पावर पे। हरमनप्रीत पटियाला से मैसेज जुड़ रहे हैं, बताइए सर क्या सवाल है। जी सर, मेरे पास ना नायका के स्टॉक्स है @199 पर, और मेरा 1 year का प्रस्पेक्टिव है कि मैं 1 year तक उसको होल्ड कर सकता हूँ, 10 है मेरे पास नायका के। ओके, रास्ते में क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए हरमनप्रीत को? 119 पर ले रखा है नायका और अभी एक रिपोर्ट आई है कल परसों में जिसमें 100 रुपए का टारगेट दिया गया है, क्या करना चाहिए नायका में? देखिए, फिलहाल मुझे रिवर्सल के संकेत नहीं दिख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा ऐसे बहुत वीक लग रहा है, लेकिन अभी मेरे लिए ये जो है बाय मोड में फिलहाल नहीं आया। तो हमने अपने क्लाइंट्स को काफी अग्रेसिवली दूसरे जो ई कॉमर्स वेंचर्स हैं या न्यू एज कंपनीज उसमें काफी ट्रेड करवाया है। नायका में मैं कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है। तो अभी के लिए मैं कहूंगा आप 114 का जो है आप स्टॉप लॉस कर लीजिए, सस्टेन अगर होगा तो फिर आपको दिखाई मिल सकती है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। 114 के नीचे जो आप कह रहे हैं 100 रुपये का टारगेट है वो भी आ सकते हैं फिर। ओके गौरव, अंबर एंटरप्राइजेस पे आपकी क्या राय है? खबरों के चलते हालांकि काफी ऊपर है, रिजल्ट्स भी थे, लेकिन क्या नजरिया क्या बनता आपका? देखिए, आज का जो कैंडल है वो एक निराशाजनक कैंडल आप कहेंगे, जहाँ पे अच्छे खासी ओपन हमको देखने मिली थी लेकिन ऊपर उस पर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा अगर कोई डिक्लाइन अगर मुझे देखने मिलती है 1950 से करीब, तो यहाँ पे बाय के मौके बनते हैं। आप जो स्टॉप लॉस होंगे वो 1800 के होंगे और वहाँ पे फिर 2300-2400 के लिए प्ले कर सकते हैं। मौजूदा स्तरों पर मैं बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, मौजूदा स्तर पर बाय की सलाह नहीं होगी। अगला सवाल है कृणाल सुथार का, वडोदरा से है। कृणाल जी बताइए क्या सवाल है। मानस, अच्छा मूव कल का हाई क्रॉस हो रहा है अब यहां पर, ये बढ़ रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ। जी, तो देखिए 375 का टारगेट मेंशन किया था और आज 366 के आसपास की ओपनिंग थी, तो 8-9 रुपए इंटरडे सेशन में देखने को मिल गए हैं। तो एक बार प्रॉफिट बुक, अगर आप इंटरनेट प्योर इंटरनेट ट्रेडर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इंतजार करें और स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 368 कर लें इस उम्मीद में कि 375 का लेवल ब्रेक होगा, तो 300 नया टारगेट होगा वो 384 का होगा। तो पोजिशनल ट्रेडर स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 368 कर लें और 385 का टारगेट सेट करें इंट्राडे के लिए। आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर है। ये तो इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लें और पोजिशनल आप स्टॉप ट्रेल कर लें 368 पर, टारगेट 384 पर ले जाएं। एक और ट्रेड रिविजिट करता हूं, फिर आशीष जी के पास एक ट्रेड है इंडिया सीमेंट। सतपुते जी, अच्छी ट्रेड रही ये भी, इसको रिविजिट कर दें एक बार। अनुज जी देखिए, चार्टिकली यहाँ पे जो पैटर्न बनता है इनवर्टेड हिडन शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन और एक्जैक्टली अपने नेक लाइन पे खड़ा है, तो लेवल ऑफ 196.10 आई स्टिल बिलीव कि इसका टारगेट जो होगा करीबन 205 का होगा इंट्राडे, लेकिन आप इसे थोड़ा वक्त दे तो प्रोबेबली आपको इसका टारगेट मिलेगा कम से कम 220-225। सो ये पोजिशनल कॉल होगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यस अभी भी यहाँ पे जान है, 196 पे बाय करे, छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करे 192 का।
ओके चलिए ये इंडिया से मिला। अच्छा आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं, उनके पास एक कॉल इस समय। आशीष जी बताइए। जी तो यहाँ पर मुझे डिफेंस स्पेस में अनुजी एक स्टॉक काफी पसंद है, वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। डिस्क्लेमर की स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है, बट इसको देखने की पर लगता है कि एक बड़ी रैली यहाँ पर बन सकती है। 6 महीने का कंसोलिडेशन स्टॉक ने कंप्लीट किया है और करीब करीब 19,000 करोड़ के मार्केट कैप में हम देखते हैं। जो टॉप लाइन है वो करीब 2800 करोड़ की है, पर जो ऑर्डर बुक है वो करीब करीब 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। तो ऑलमोस्ट 9 टाइम की सेल्स की और यहाँ पर एक ऑर्डर बुक हमें देखने को नजर आती है। एबिटा मार्जिन कंपनी के अंदर में 20% के आसपास बन रही है और वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है। तो उसको देखते मुझे लगता है कि ये जो नया ब्रेकआउट आप देख रहे हैं ये स्टॉक को कहीं ना कहीं 1150 से लेकर 1200 तक की ट्रेजेक्ट्री में ले जाता हुआ नजर आ सकता है। तो बीडीएल मेरी टॉप पिक होगी इस पूरे डिफेंस स्पेस में और बहुत अच्छा बेस 1050 पे बना है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इसको ध्यान में रखकर एक लॉन्ग ट्रेड की तरफ इसके की तरफ देख सकते हैं। और जैसे मैंने कहा 1200 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री इस स्टॉक में मुझे देखने को नजर आती है। ओके भारत डायनामिक्स 1072 पे ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल मयूरेश जी से एक लास्ट कमेंट लेते हैं। मयूरेश जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि इंडियन होटल्स आपकी बहुत अच्छी कॉस्ट में शामिल भी था, सब अच्छा करता हुआ यहाँ पे इंडियन होटल्स और रॉयल ऑर्किड लेमन ट्री करियर हाई पे ट्रीट करता हुआ। इंडियन होटल्स पे एक सेंसिबल अप्रोच क्या कहती है, यहाँ प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए, टेक्निकल अप्रोच है कि होल्ड करें, आपका व्यू क्या है? मॉर्निंग वीरू जी, नहीं मेरे हिसाब से आई थिंक जैसे नंबर्स आ रहे हैं अगले कुछ तिमाहियों तक नंबर्स होटल इंडस्ट्री के लिए अच्छे रहेंगे। काफी ट्रिगर पॉइंट्स है जो काफी एनालिस्ट ने बार बार कहे हैं टीवी के ऊपर, आईपीएल जो मैचेस चल रहे हैं ये तिमाही में सपोर्ट करेगा और हॉलीडे सीजन भी है, सेकंड हाफ में वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में तो वहां पे भी है और सेकंड हाफ में वापस टूरिस्ट सीजन बहुत जोर से चलेगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एवरेज रूम रेट्स, ऑक्यूपेंसी, फूड एंड बेवरेज रेवेन्यूज सारी चीजें आई थिंक इनके फेवर में है, बट थोड़ी पुल बैक्स की राह देखें इंडियन होटल्स के लिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक विद इन द स्पेस इटसेल्फ आई थिंक दो जो मिड कैप होटल स्टॉक्स है वो थोड़े बेहतर लग रहे हैं। एक है ताज जीवीके जहां पे आई थिंक डायनामिक्स सिमिलर टू द होटल इंडस्ट्री आर इंप्रूविंग, और एक है शैले होटल। सो आई थिंक ये दो पिक्स शेयर मार्केट्स विद इंडिया में मैं पसंद। ये आपके होटल्स पे अप्रोच मयूरेश जी की, और वाकई मुझे अच्छी तरीके से याद है लगभग बीते 7-8 महीने में इस पूरे पैनल ने, आशीष चतुर्मोता जी ने और मयूरेश जी ने और गुरमीत जी ने अर्निंग्स के दिन जिस लास्ट रिपोर्टेड अर्निंग्स थी बजट की स्पीच से पहले उस दिन भी डिस्कशन था हमारे पैनल में, होल्ड 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 क्या पैसा बना के दिया इसने। और इंडेक्सेस थोड़ा सा बैकफुट पे आते हुए 18260। और जो बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।